सब्सक्राइब करें टेक्नोज मोबाइल चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक्नोज मोबाइल में। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने अपने 3 नए ऐप्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया जो कि मैंने खुद क्रिएट किए थे, और मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप उन ऐप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और मैं इस समय आपके लिए सीरीज लाने जा रहा हूँ 4-5 वीडियो की, जिसमें मैं आपको पूरे ऐप्स कैसे बनाने हैं, उन्हें डाउनलोड कैसे करना है, पब्लिश कैसे करना है, उसकी पूरी डिटेल और पूरा ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी, आप अपना ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी स्क्रीन अब दिख ही रही होगी। मैं अपना नेट चालू करके, अब मैं कोई भी, आप अपना ब्राउजर खोल लीजिए, तो मैं भी अपना ब्राउजर खोल लेता हूँ। ये देख सकते हैं मैं अपना ब्राउजर खोलने जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिए ऐप गीसर, एप्स गीसर, और इसे आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आपको उसकी ऑफिशियल साइट सामने दिख रही होगी एप्स गीसर की, आप इस पे क्लिक कर लीजिए। मैं भी इसे ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप अपना लॉगिन बना लीजिए। मैं लॉगिन पे, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं या फिर रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो मेरा गूगल से ऑलरेडी है, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये मेरा साइन इन हो चुका है और ये मेरे को अब मेरे डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो सबसे पहले ये आपको ऐसे मांगता है, तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ और टूर में स्किप करके मैं अपना ऐप जो है ये 25 घंटे या 26 घंटे तक रहता है, तो आप इसे रिस्टोर कर लीजिए, करिए। मैं रिस्टोर कर लेता हूँ। ये मैंने फेसबुक का बनाया था, फेसबुक पेज का। तो अब मैं प्लस ऐड आपको एक कोई भी बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये टेम्पलेट्स रहती हैं, ये मैसेंजर, वेबसाइट, ब्राउजर, और भी आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स दिख रही होंगी। मैं आपको सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये न्यू में देख सकते हैं, न्यू में फेसबुक पेज, PDF टैब, मैसेज, ट्विटर, मैनुअल, यूट्यूब, फोटो एडिटर, ये आपको सारी यहाँ से टैब मिल जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको वेब में जाके टैब दिखाता हूँ, तो फेसबुक पेज, वेबसाइट, ब्राउजर, वेब, ट्विटर, वेब ऐप, न्यूज टॉपिक, ब्लॉग, ये आपको मिल जाते हैं। और फिर हम दूसरे में जाके देखें मीडिया में, तो मैसेंजर, यूट्यूब, फ्री वीडियो कॉल, मीडिया प्लेयर, ऐसे मिल जाते हैं। और ये आपको कंटेंट वाले मिल जाते हैं। उसके बाद में ऑल में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सारे मिल जाते हैं, शो मोर करके आप देख सकते हैं। मैं आपको सारे ही दिखाई दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं आपको सारे दिख गए। अब मैं आपको कोई भी एक मोनेटाइज जो ऐप होते हैं, जो लोगों ने बनाए रहते हैं, उनके बारे में दिखा रहा हूँ। टॉप ऐप्स है ये ऐप्स गीसर के अंदर, ना कि प्ले स्टोर के अंदर। ये मेरे खुल गए, देख सकते हैं एम्बेसडर्स, जो इतने सारे ऐप्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऐप्स। ये मैसेंजर 2019, आप यहाँ पे प्ले प्ले स्टोर पे जाके आप इन्हें सर्च कर सकते हैं, इन्हें पब्लिश करके रखे हुए हैं। मैं दोस्तों आपको यही बताऊंगा कि आप जो भी ऐप क्रिएट करते हैं वो आप अपनी ये इस साइट से वो आप अपने डेस्कटॉप पे यूज करें, क्योंकि मैंने, अगर आप इसमें अपने फोन में चलते हैं तो यहाँ पे जो आइकन वगैरह आप लगाते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको पब्लिश करना रहता है, तो आप वो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही अजीब से रहता है। तो मैं आपको यही कंसिडर करूंगा, आप जाके इसका वो कर लीजिए, आप इसे लैपटॉप में स्विच करके करिए, तो आपको ज्यादा आसानी होगी। मैं आपको अपने फोन में बता रहा हूँ, तो फोन में मैंने दिखा रहा हूँ आपको बकायदा। ये मेरा पहला ऐप मैं बनाने जा रहा हूँ, मैसेंजर ऐप। यहाँ पे आप कलर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं और चैनल का URL। मैसेंजर ऐप मैं नहीं बनाऊंगा, मैं आपको दूसरा ऐप बना के दिखाता हूँ। बैक जाके ये मैं न्यू से सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक PDF टैब। मैं PDF टैब पे एक ऐप बना देता हूँ। PDF
पीडीएफ फॉर्म में दोस्तों आपको ये कोई भी अपनी, अगर आपने अपलोड करके रखी है कोई वह पीडीएफ, आप उसकी यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, या फिर आपको अपलोड करनी तो अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है, मैं अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये अपलोड फाइल में जाके, डॉक्यूमेंट्स में जाके मैं कोई भी एक अपलोड कर लेता हूँ जल्दी से। ये मैंने फाइल मैनेजर में जाके, मैंने डुअल ऐप में है तो मैं डुअल ऐप के व्हाट्सएप में जाके मैं इसे दिखाता हूँ आपको करके। तो यहाँ पे इतने सारे पड़े, मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख के कौन सी मेरे को चाहिए कौन सी नहीं। और दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरा अकाउंट ऑटो लॉगिन कैसे हो गया है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो मैंने एमसेंट में ऑलरेडी अपना जीमेल खोल के रखा था, जिससे ही मैंने साइन अप किया, सबसे पहले अलाउ करना पड़ता है, और मैंने अलाउ करके अपना रजिस्टर कर लिया था, इसलिए जब भी मैं लॉग इन करता हूँ तो मैं डायरेक्टली साइन इन विद गूगल करके कर सकता हूँ। अब मैं इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर ऐप नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मैं पीडीएफ का डाल देता, पीडीएफ टैब, और डिस्क्रिप्शन में आप अपने में लिखिए आपको किस, आपने किस बारे में ये ऐप बनाया उसके बारे में। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डालिए जो अभी आपने ऐप बनाया है, किस लिए बनाया है, और आपको ये आपने किस के बारे में बनाया है, और किस किस लोगों के लिए ये अच्छी तरह है, क्या है इसके फीचर्स वगैरह, कंटेंट्स वगैरह आप इसमें पूरे लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये ऐप क्यों बनाया है इसलिए, या फिर आपने किस चीज के बारे में बनाया है, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन सिंपली डाल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, देख सकते हैं मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं मैंने क्या किया है, किस चीज के लिए बनाया है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल डालनी है अपनी ऐप की। ये डिस्क्रिप्शन दोस्तों आपके पब्लिश करने में भी काम आएगा। और यहाँ पे आप कस्टम आइकन पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट इमेजेस, ये आपको बहुत ही दिक्कत होगी, इसलिए मैं डिफॉल्ट आइकन लेके क्रिएट कर रहा हूँ ऐप। तो ये मेरा क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है ऐप, और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको 25 मिनट्स 20 सेकेंड्स का वो मिल जाता है। और ये देख सकते हैं पब्लिश इट ऑन गूगल प्ले, मैं इसको, इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यही था दोस्तों, ये आप अपने सेव माय ऐप पे जाके पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या करना पड़ेगा पब्लिश पब्लिश के लिए, मैं उसके बारे में आपको पूरा अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के।